सब मेरे से साथ छोटे ही होंगे, मैं ही बड़ी होंगी इधर। तो काफी अच्छा लगा, सभी ने मतलब इतना मान और सम्मान दिया है। हमेशा ऐसे ही मान सम्मान बनाए रखें तो हम भी अपने देश के लिए ऐसे ही मेडल लेके आते रहेंगे। और काफी खुशी होती है जब जब हम मेडल जीत के आते हैं, लोग आपको इतना मान सम्मान देते हैं, आपकी फैमिली आपको और ज्यादा लाड़ प्यार देती है, तो और ज्यादा खुशी मिलती है कि हाँ अगली बार और बड़ा मेडल लेके आएंगे तो शायद और ज्यादा खुश होगे और ज्यादा आपका सादर और सत्कार होगा। और पूरे देश से जो हमें लाड़ और प्यार मिल रहा है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा। एज ए एथलीट हमारे पास एक यही यादें रहेंगी कि हम जब मेडल जीत के लेके आते थे तो लोग हमारा कैसे सम्मान करते थे, कैसे मान बढ़ाते थे। और आप सब बच्चों से यही कहूंगी कि मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली मतलब मेहनत हमेशा सक्सेस नहीं हो पाते हैं, आप कई बार आप फेल भी हो जाते हैं, कभी कई बार आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी हम नहीं एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहे हैं या हम खेल में भी नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या करें। कभी कभी ऐसे लगता है कि सब छोड़ दें, लेकिन वो एक एक पल होता है, वो मोमेंट होता है जब आपको ऐसे लगता है कि गिव अप करो, तो उस दिन को उस दिन पे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो शायद दूसरा दिन होगा। और जब मेहनत, तो सुशील पहलवान जी ने काफी, जब मैं भी काफी छोटी थी, मेरे को भी मोटिवेशन की जरूरत थी। 2014 में वो हमारे साथ कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गए थे, तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा जरूरी नहीं है कि जब आप मेहनत करते हो तो वो रेसलिंग मैट पे जब आप रेसलिंग कर रहे हो तभी आपको रिजल्ट्स दे, कई बार वहां नहीं मिलेंगे लेकिन आपको पर्सनल लाइफ में शायद आपको उस मेहनत का रिजल्ट्स मिल जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप शायद स्कूल में मेहनत कर रहे हो, स्कूल में आपको रिजल्ट्स मिल जाए, शायद आपके घर परिवार में आपको इतनी बड़ी खुशी मिल जाए कि वो खुशी आपके जो स्कूल में आप नहीं अचीव कर पा रहे हो उससे बड़ी हो सकती है। तो एक यही बात उनकी बहुत मेरे साथ रहती है कि कभी भी कुछ भी हो जाए मेहनत का तो ऊपर वाला किसी का नहीं रखता है, और मेरा भी नहीं रखा। देखिए ओलंपिक में मेडल नहीं आया है मैं मानती हूँ, लेकिन आज भी मैं उस रेसलिंग मैट पे हूँ, आप सबके बीच में हूँ, रेसलिंग करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, मेरी फैमिली स्वस्थ है, सभी लोग मेरे से वही उम्मीद बनाए रख रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक एथलीट के लिए। कितना दो ओलंपिक्स जब आपके मिस हो जाते हैं लेकिन लोग आपको फिर भी उसी सम्मान के साथ में, उसी जुनून के साथ में आपको मेडल लेते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे एज ए एथलीट। और आप सब एथलीट को बस वही बोलूंगी कि गिव अप नहीं करना कभी भी, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, और स्पोर्ट्स जो भी कर रहे हैं वो पढ़ाई भी साथ में करो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम, क्योंकि हमने देखा है जब हम, क्योंकि मैं स्कूल में इतना नहीं जा पाई थी, हमारे कैंप लग गए थे तो उसके बाद हमारी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन आज मुझे पता है कि काश मैं वो पढ़ाई कर लेती, काश मैं और ज्यादा एजुकेशन में अपना टाइम दे पाती तो मैं शायद और अच्छा कर सकती थी। कई बार क्या होता है कि रेसलिंग में सभी लोग सक्सेस नहीं हो पाते किसी भी फील्ड में, जैसे मैं रेसलिंग में हूँ तो जरूरी नहीं है कि कोई और रेसलिंग में आएगा तो वो कितना ही सक्सेसफुल हो जाएगा, तो लेकिन आपके पास दूसरा एक फील्ड रहेगा काम करने को। तो अगर स्पोर्ट्स में अगर अच्छा नहीं कर पाए तो आपके पास एजुकेशन तो रहेगा ना, कम से कम आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा लाइफ में कुछ भी करने को। तो पढ़ाई जरूर साथ में रखिए, जो स्पोर्ट्स करते हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई करिए बस। और आप सबके साथ भी, सभी लोग तो पढ़ाई करने वालों के साथ में भी, उनके माता पिता हैं, पूरा स्कूल का स्टाफ आप लोगों के साथ में है, बस ऐसे ही आप भी आगे जाइए, आगे तरक्की करते रहिए और हम भी ऐसे तरक्की करते रहेंगे। आप अपनी फील्ड में देश का नाम ऊंचा करिए, हम अपनी फील्ड में देश का नाम ऊंचा करेंगे, ऐसे अपने देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज अब जैसे कि 13 से 15 अगस्त तक कितना सारे देश में खुशी मनाई है, और हमारे बीच में दिनेश है, जिसे कोई विशेष उपलब्धियां हैं, लेकिन लगभग 25 बार 14 में एशियन गेम्स हुए साउथ कोरिया में, ब्रॉन्ज मेडल लिया। 2014 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुए स्कॉटलैंड में, गोल्ड मेडल लिया। और ये विनेश के पास कॉमनवेल्थ के भारत की पहली महिला पहलवान है जिसने कॉमनवेल्थ, जो कि 4 साल बाद होता है और विशेष कंपटीशन है कॉमनवेल्थ, उसमें 3 बार किसी भी भारत के महिला पहलवान का नहीं है, सुशील के हैं। और इसने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में, 2018
मैं गोल्ड कोस्ट में हुआ था, वहाँ गोल्ड लिया, और 2022 में इंग्लैंड की धरती जिसने 8 देश से ज्यादा धरती पर राज किया वहां पर गोल्ड मेडल लेकर के तिरंगा सबसे ऊंचे आसमान पर ले रहा। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रधान जी से, दिनेश को 11,000 रुपये की माला पहना करके प्रताप विद्यालय प्रताप शिक्षण संस्थान की तरफ से उनका स्वागत करें। शाबाश। 1-2। प्रधान जी से अनुरोध करो, देखते हो कि हरियाणा इधर आ जाओ। हाँ जी अब्बा, हाँ जी।